सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। दुनिया भर में भगवान गणपति के कई तरह के मंदिर हैं। इनमें से एक बेंगलुरु के पास बसावन गुड़ी में मौजूद डोडा गणपति की प्रतिमा है। डोडा गणपति यानी बड़े गणपति, नाम के मुताबिक ही ये प्रतिमा है। आइए जानते हैं डोडा गणपति की महिमा के बारे में। दक्षिण भारत का अद्भुत डोडा गणेश मंदिर, इन्हें बेंगलुरु के स्वयंभू गणपति भी कहा जाता है। 500 साल से ज्यादा पुराना है इस मंदिर का इतिहास। टीपू सुल्तान से भी है जुड़ा हुआ ये मंदिर। मंदिर के पीछे है दुनिया के सबसे बड़े नंदी की प्रतिमा। दुनिया भर में भगवान गणपति के कई तरह के मंदिर हैं। इनमें से एक बेंगलुरु के पास बसावन गुड़ी में मौजूद डोडा गणपति की प्रतिमा है। डोडा गणपति यानी बड़े गणपति, नाम के मुताबिक ही ये प्रतिमा है। लगभग 18 फीट ऊंची और 16 फीट चौड़ी है। इसकी खासियत ये भी है कि ये काले ग्रेनाइट की एक ही चट्टान पर उकेर कर बनाई गई है। इस मंदिर और प्रतिमा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। इसे बेंगलुरु के स्वयंभू गणपति भी कहा जाता है। इसी मंदिर के पीछे एक नंदी प्रतिमा भी है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची नंदी प्रतिमा माना जाता है। बेंगलुरु से लगभग 13 किलोमीटर दूर बसावन गुड़ी में डोडा गणपति का मंदिर है। माना जाता है कि गोडा शासकों ने इसे लगभग 500 साल पहले बनवाया था। इस मंदिर के पहले भी यहाँ स्वयंभू गणपति के ये विशाल प्रतिमा थी और लोग आस्था के साथ इसका पूजन किया करते थे। इसका निर्माण 1537 के आसपास का माना जाता है। मंदिर प्राचीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में विशाल गणपति की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की कहानियाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं मंदिर बहुत पुराना नहीं है, अंग्रेजों के भारत आने के बाद ही ये बना है। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर का टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम में गहरा संबंध है। टीपू के सेनापति ने इसी मंदिर के परिसर से ही ब्रिटिश सेना के खिलाफ रणनीति बनाई थी और उन पर हमला किया था। इस तरह मंदिर को लेकर दो मत हैं, लेकिन फिर भी ये मंदिर सारे विवाद और ऐतिहासिक तथ्यों से अलग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।